नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करने के लिए। यही सपोर्ट आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी दे सकते हैं अकाउंट्स को फॉलो करके, साथ ही एक्सीडेंट की डिटेल्स वहां भी शेयर कर सकते हैं। सभी अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी ही पिक्चर्स हैं जो किसी भी कार की अच्छी या बुरी बिल्ड क्वालिटी दिखाती है, तो आप उसे ईमेल आईडी rana.nikhil1989@gmail.com पे शेयर जरूर करें एक्सीडेंट के पूरे डिटेल्स के साथ, और आप भी सेफर कार फॉर इंडिया मिशन का हिस्सा जरूर बने। टाटा की एक कार जिसने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है वो है टाटा की टियागो। हालांकि बाकी कार्स भी काफी अच्छी हैं, पर जिस प्राइस पॉइंट पे टियागो वर्ल्ड क्लास सेफ्टी प्रोवाइड कर दी है वो काबिले तारीफ है। इतना कहना चाहूंगा, वेल डिजर्व 4-स्टार रेटेड कार है ये, और आज तक हमने जितने भी एक्सीडेंट इस कार के देखे हैं वो सभी ये प्रूफ करते हैं। तो ऐसा ही एक्सीडेंट मुझसे एक व्यूअर ने ईमेल पे शेयर किया था, जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताने के लिए कहा था, पर सारे प्रूफ और पिक्चर्स जरूर शेयर कर रहे थे। तो सबसे पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन से जुड़ने के लिए। यहाँ ये इन्फॉर्मेशन टाटा टियागो ओनर्स ग्रुप में शेयर हुई थी और उसी से ये पिक्चर्स भी मिली हैं। मैं कार ओनर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा पिक्चर शेयर करने के लिए ग्रुप में, और टाटा टियागो की एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी वापस सबको दिखाने के लिए। यहाँ इस चैट से आप क्लियरली देख सकते हैं, ओनर बताते हैं कि उनका एक्सीडेंट एक मिल्क ट्रक से हुआ था जो कि रॉन्ग साइड से आ रहा था। यहाँ जैसा उन्होंने बताया, कार करीब 90 की स्पीड में थी और थोड़ा बहुत कार को वो बचा पाए, पर फिर भी कार का लेफ्ट साइड जाके मिल्क टैंकर पे लग गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि इम्पैक्ट के बाद टियागो में कितनी डैमेज हुई है। लेफ्ट साइड फेंडर में काफी डैमेज हुई है, इम्पैक्ट की वजह से टायर भी ब्रस्ट हम देख सकते हैं। आगे लेफ्ट साइड में हेडलाइट भी टूटी हुई है, और लेफ्ट साइड में बोनट और बम्पर पे भी आप डैमेजेस देख सकते हैं, पर ऑल टोटल केबिन पूरी तरह से इंटैक्ट है और इस स्पीड पे ये डैमेज भी काफ़ी कम है। ओनर चैट में साफ साफ लिखते हैं कि टियागो की बिल्ड क्वालिटी ने उन्हें बचा लिया, और ये भी लिखते हैं कि इंपैक्ट का ज़्यादा कुछ उन्हें पता नहीं लगा। अच्छी बात ये थी कि सबने सीट बेल्ट पहनी हुई थी, और चैट के एंड में वो ये भी लिखते हैं कि आज मौत को बहुत ही करीब से देखा, पर टियागो के लोहे ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि चीते की चाल, बास की नज़र, बाजीराव की तलवार और टाटा के लोहे पे संदेह नहीं करते हैं और ना करना चाहिए। हर बार ये अपनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का लोहा मनवाती है। तो ये एक्सीडेंट एक बार फिर हमें बिल्ड क्वालिटी की इंपॉर्टेंस ज़रूर समझाता है, और जिनके साथ हुआ है वो इस बात को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तभी उन्होंने ये चीज़ सबसे शेयर की कार की अच्छी बिल्ड क्वालिटी को दिखाते हुए। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, कार लेते वक्त सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी पे रखें। माइलेज वगैरह मिलती रहेगी, 2-3 किलोमीटर कम ज़्यादा मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, और बजट का इशू है तो टियागो फीगो जैसी अच्छी कार भी मार्केट में अवेलेबल हैं। बाकी स्वदेशी कार को एक बार मौका ज़रूर दे टेस्ट ड्राइव लेके, क्योंकि इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना मैं और मुझसे जुड़े कई सारे नेक्सॉन और टियागो ओनर्स भी ये बात कह सकते हैं। और अब तक कई ऐसी कार्स हैं जो 1,00,000 किलोमीटर से ऊपर भी चल चुकी हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके सेफर कार फॉर इंडिया मिशन से जुड़े। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।